हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर है 5 समवृत्त संख्याएं लेकर चलते हैं। इसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बहुत ही इजी है। एक गणितज्ञ थे आयलर। आयलर ने अपने ही नाम पर एक जो संख्या हमारी फंस गई थी, मींस मतलब जिसका हम वैल्यू नहीं जानते थे, जैसे -1, तो इसको उन्होंने अपने यानी इसका मान लिया था। उन्होंने कल्पना कर ली थी कि इसका मान आई हो सकता है। एक गणितज्ञ थे आयलर, उन्होंने इसकी वैल्यू एक कल्पना कर ली, यानी इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसकी कल्पना कर ली थी उन्होंने, अपने ही नाम के पहले अक्षर से ये रख दिया था कि इसकी वैल्यू आई आएगी। अब इसे ही हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बहुत ही इजी है। दोनों पक्षों का जैसे ही पर किया तो आई स्क्वायर बराबर -1। मतलब उन्होंने एक जो मान था रूट के अंदर -1, इसका मान जानते नहीं थे, इनको निकाल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने एक कल्पना कर ली कि इसका मान आई हो सकता है। तो फिर हमने क्या, उन्होंने क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग करके आई स्क्वायर बराबर -1, यानी जहाँ पर -1 आएगा वहाँ आई स्क्वायर लग सकता। ठीक है, अब देखिए इसी के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, देखेंगे। अब देखिए ऐसे और भी पावर बना सकते हैं, जैसे कि कहीं लिखा है आई की पावर 3, तो आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का -1, इसीलिए -i हो सकता है। आई की घात 4 को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे 5 लिख सकते हैं, 6 ऐसे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, बना लेंगे इसी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हम मिटा देते हैं। देखिए आप क्वेश्चन है, सबसे पहले इसी के आधार पर सवाल करते हैं। देखो कहीं वैल्यू ये पूछ रहा है आई की पावर 400 का मान पर सिद्ध करवा रहा है। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, LHS लेके चलेंगे, आई पे घात 400। ठीक है ना, इसे हम लिखेंगे आई स्क्वायर पे घात 200 × 400। अब आई स्क्वायर का मान आप जानते हैं, आई स्क्वायर का मान -1, इसीलिए -1 पे घात 200, और ये 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -1 का यानी सम संख्या है, 200 बार लिखेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे, बहुत इजी है। अरे -1 पर घात 2 मान लो, 1 का वर्ग 1 होता है, 100 बार करेंगे वही 1, कितनी बार लिखो 1 ही आएगा। ठीक है ना, बहुत इजी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, कोई आई पे घात, ये पहला क्वेश्चन मान लिया, दूसरा आई पे घात 318, इसका मान आई स्क्वायर, तो का 2 × 2 = 10, 2 × 10 = 18। अरे 2 × 18 = 2 × 10 = 11, 2 × 2 = 3। ठीक है, अब आई स्क्वायर का मान -1 की भी सम संख्या है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1। बहुत सिंपल है, पहले बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, सरल से क्वेश्चन है, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। आगे देखते हैं, देखो कहीं ये लिखा है 1 + अगला थर्ड क्वेश्चन मान लो 1 + i/(1 − i) पे पावर 200 = 1 आंसर आए, तो क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 + i
वन माइनस पेगा 200। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परमिट आउट करते हैं। चलिए जल्दी करके देख रहे हैं आप, कौन करके दिखाएगा जल्दी करके। किस किस ने बनाया हूं? बहुत ही इजी है, आशा है कि आप बना रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका परमिकरण करेंगे, वन प्लस आई है, माइनस है तो प्लस का आई का ऊपर गुणा करेंगे, वन माइनस आई, वन प्लस आई का होल स्क्वायर, एक का ऐसे गुणा कर दीजिए, आप होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, एक आई आई और ये आई स्क्वायर बटे ये वन का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया वन, आई और आई हो गया टू आई, और इस आई स्क्वायर का मान माइनस एक, इससे काटेंगे बटे वन, आई स्क्वायर का मान यहाँ पर भी माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा, बटे इतना एक और एक दो आई बटे दो, दो से दो काटेंगे आई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा ये 200 चल रहा था, कहाँ लगे हुए हैं आप, 200 ही है। अब देखिए इसे 200 लिख दिया, ठीक है। अब 200 का मान बहुत ही इजी से 100 दूरी 200 इसकी वैल्यू लगा दो तो माइनस एक पेगा 100, इसीलिए इसका मान क्या रहेगा, क्योंकि माइनस एक को 100 बार लिखो या 200 बार लिखो एक ही आंसर आएगा, सब है इसे, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। दोबारा देखो, वन प्लस आई वन माइनस आई, माइनस है प्लस का ऊपर नीचे हमने गुणा किया है तो एक एक कम एक प्लस आई 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 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आई और आई टू आई, आई स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, यहाँ पर भी माइनस एक, इससे कट गया एक और एक दो, दो से दो कटा, आई का घात 200, 200 को लिखेंगे 2 × 100, आई स्क्वायर का मान लगाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो सवालों के। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, आई पे घात, सेकेंड क्वेश्चन डाल दो, पहले के थे, आई पे घात एन प्लस 100, आई पे घात एन प्लस 50, देखिए कौन बनाता है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आई और देखिए आपको समझ में आए तो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ, जो भैया नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते, ठीक है, लाइक तो बनेगा ही आपका। एम एच एस आई पे घात एन प्लस 100, आई पे घात एन प्लस 50, आई पे घात एन प्लस 48, आई पे घात एन प्लस 46। देखो बेटा गुणा में घातें जुड़ी हुई लिखी हुई हैं, अब हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, आई पे घात जैसे हमने कॉमन लिया तो आई पे घात बेटा कितनी बची 100, आई पे घात 50, आई पे घात 48, आई पे घात 46, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई पे घात नियम से हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम आई स्क्वायर का क्या करें बेटा, आई स्क्वायर 50, 50 दूनी 100, 25 आई स्क्वायर 25 दूनी 50, आई 24 दूनी 48, आई स्क्वायर 23 दूनी 46, कोई दिक्कत इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 23 दूनी 46, वैल्यू लगाएंगे आई, माइनस एक पे घात 50, माइनस एक पे घात 25, माइनस एक पे घात 24, माइनस एक पे घात 23, ठीक है, बहुत ईजी है, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का वन ये विषम है माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि विषम वाला माइनस, इससे कटा इससे कटेगा, आई पे घात एन 0, इसीलिए इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। बहुत ही ईजी ईजी क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया है आपको कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चनों को देखते रहिए, अब देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी करें।
देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन है। सिग्मा होता है, एक बालक बोल रहा था सर ये मच्छर जैसे टाइम का क्या होता है, इसे सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। आई की पावर वन, इसका कहना है कि आर बराबर जीरो से हजार तक, यानी कि ये संख्याएं लिखनी है, संक्षिप्त रूप होता है सिग्मा का, संक्षिप्त रूप सिग्मा का मीन्स। तो देखिए इसे हम लिखेंगे सिग्मा आर बराबर जीरो से 1000 आई पे घात आर। अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे जीरो से स्टार्ट करेंगे, आई पे घात जीरो, आई पे घात वन, आई पे घात टू और आई पे घात थ्री बेटा टोटल, और लास्ट हजार तक लिखेंगे तो बोर्ड तीन चार लगाने पड़ेंगे, इसलिए हमने ये लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, वैल्यू हम जानते हैं, जीरो वन होता है, आई का आई रहेगा, यहाँ आई स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, आई क्यू का मान माइनस आई होगा बेटा, इसका वन हो गया, अरे भाई आई स्क्वायर इंटू आई तो इसका माइनस वन इंटू आई यानी माइनस आई। अब आई पे घात चार का मान क्या होगा बेटा, प्लस वन, और आई पे घात पाँच का क्या हो जाएगा, चार इंटू आई तो ये हो जाएगा एक इंटू आई प्लस आई। फिर छः का मान क्या होगा, आई पे घात सिक्स को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर पे घात तीन तो माइनस तीन यानी माइनस एक, माइनस एक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो इस आई से ये आई कटा, इससे ये कटा, मतलब आगे वाले सभी पद कटते जाएंगे, क्योंकि ये जो संख्या है वो आपकी क्या बनेगी, आपकी मैं लिखूँ यहाँ पर 500 बनेगी ना। अब ये वन प्लस आई माइनस आई प्लस डॉट डॉट प्लस इसका मान एक हो जाएगा, क्योंकि आई इसका का मान माइनस एक, वर्ग का 500 वाला लिखेंगे इससे एक जाएगा, मतलब सभी आपके आई और ये सभी कटते जाएंगे तो ये वन ही आंसर है, मतलब इसमें और भी पद आएंगे, ठीक, तो सभी पद आपके कट जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, करके देख सकते हैं आप, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसे नोट करें, स्क्रीन शॉट लेना चाहें स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। ठीक है जल्दी, एक क्वेश्चन और करा ले रहा हूं मैं, देखो कहीं ऐसे लिखा है रूट के अंदर आई बराबर वन प्लस आई बटे रूट टू, इसे क्वेश्चन अगला दे दीजिए हम जो भी है, बस इतने ही क्वेश्चन में कराऊंगा, आगे वाले क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में देखेंगे, और इसका स्टार्टिंग है तो मेरे प्ले लिस्ट में लिस्ट बनी हुई है, इसमें आगे से शुरुआत से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से आई हटाओ तो क्या होगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, अरे यहाँ से आएगा, अब इसकी आर एच एस ले देते हैं, यहाँ से रूट हटाया इसका, आर एच एस ले लिया रूट दो का स्क्वायर, तो बहुत सरल है, क्या करेंगे आप, इसका होल स्क्वायर कर दो, वन प्लस आई स्क्वायर टू इंटू वन इंटू आई बटे रूट दो का वर्ग दो, आई स्क्वायर की वैल्यू लगा दो बेटा, वन माइनस टू आई बटे टू, इससे ये काट दिया टू आई बटे टू, दो से दो काटेंगे, आंसर आ गया बेटा क्या, बहुत ईजी है, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना तो बनता ही है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके, गुड इवनिंग।